नमस्कार साथियों, आज हम बात करें भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ भाई, कुवैत के फ्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में, वैक्सीन, क्वारंटाइन या फिर कौन सी वैक्सीन आपको लेनी चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल है, कोरोना के बारे में पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीज़ा से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, कौन से वीज़ा वाले अभी जा रहे हैं, कैसी क्या स्थिति है, डिटेल से देखिए, वीडियो पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कोरोना की बात करें तो भाई कोरोना की स्थिति अभी भी कुवैत में वैसी की ही वैसी बनी हुई है जो पहले थी। जी हाँ, क्योंकि यार छोटी कंट्री है, 2000 के करीब भी अगर आंकड़े आ रहे हैं तो उनके लिए वो भी ज़्यादा हैं। अभी अगर कोरोना में टोटल आंकड़ों की बात करें तो 3,48,200 के प्लस अभी तक आंकड़े टोटल आए हैं। उनमें से डेथ की बात करें तो मौत के मामले में बात करें तो लगभग 2000 के करीब अभी तक लोगों की डेथ हो चुकी है। रिकवरी की बात करें तो 3,27,000 प्लस रिकवरी हो चुकी है, यानी एक्टिव केस अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। 18-20,000 का ये आंकड़ा है, ज़्यादा इसमें नहीं है, तो ठीक है अभी स्थिति कुवैत में। लेकिन कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन है उसमें भी इसीलिए ज़्यादा जोर दिया गया है कि भाई जो भी वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं वगैरह, सबको कोविड वैक्सीन लगाई जाए ताकि इस पर रोकथाम जरूरी है कोरोना पे। हालांकि स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए, देखते हुए अगर हम फ्लाइट की बात करें तो कोरोना की स्थिति वैसी की वैसी होने के बावजूद भी हालांकि आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, कंट्रोल कर लिया गया है और फ्लाइटें भाई अभी भी बंद हैं। लेकिन लोग पता नहीं कैसे फ्लाइटों के बारे में, जो लोग वीडियो आप देखते होंगे उधर से लोग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वीज़ा चालू हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की न्यूज़ आप देखते होंगे हमेशा। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि भाई इंडिया के लिए फ़्लाइटें अभी बैन हैं। इंडिया क्या भाई, सभी जो एशियन कंट्री हैं, लगभग कंट्रियाँ सभी बैन हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह सभी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी लोग अभी दुबई से जाने का ऑप्शन था, दुबई की फ़्लाइटें भी अभी बंद हैं। तो हालांकि यूरोप कंट्रियों में नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर इंग्लैंड वगैरह की फ़्लाइटें चालू हैं, उधर से आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उधर से जाकर फिर आप कुवैत में चले जाएं, इससे तो बढ़िया कि आप इंडिया में बैठे रहें। बाकी अगस्त से जो है ना, जो रूटीन स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अगस्त तक कोवैक्सीन जो वैक्सीनेशन है ना, ये कंप्लीट होने की पूरी पूरी संभावना, इस वजह से उस आधार पर देखा जा रहा है कि भाई जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं अगस्त से। जी हाँ, अभी कुछ फ्लाइटें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी कुवैत तो जा ही रहे हैं। ये तो नहीं है कि भाई कुवैत कोई आदमी एंट्री नहीं कर रहा है, जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो कोविशील्ड इंडिया में टीका लगा सकते हैं। अब कोविशील्ड जो वहाँ एस्ट्राजेनिक के नाम से चलता है, कुवैत में इसको एस्ट्राजेनिक बोला नाम है दिया गया है, इंडिया में इसको कोविशील्ड नाम दिया गया है। इसी को WHO द्वारा मान्यता मिली है, कुवैत एयरपोर्ट पर भी इसको मान्यता है, ये टीका लगवा के आप जा सकते हैं। जी हाँ, साथ में आपको सर्टिफिकेट की कॉपी, आपको पता है सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेना होता है, जो ईमेल आईडी पे आप अपना ले सकते हैं, इसकी फोटो कॉपी भी आपको साथ में रखनी चाहिए, साथ में PCR टेस्ट है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन पे हम बात कर लेते हैं भाई इकामा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुवैत से छुट्टी आए थे पिछले टाइम पर, अभी भी छुट्टी लोग आ रहे हैं ना, फ्लाइटें तो उधर से आ ही रही हैं, तो लोग जो वीज़ा इनका लगा हुआ है, जो आ रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से इंडिया में बैठे हैं, जिनको 6 महीने, आपको पता है वीज़ा में 6 महीने की वैलिडिटी होती है, लेकिन वो एक्सपायर हो गया, तो कुवैत सरकार ने ये ठीक है, अभी 2 दिन पहले एक अपडेट जारी किया है कि भाई वो अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ, या तो आप ऑनलाइन बैठ के खुद कर लीजिए, या अपना कफील है वो आपको करके देगा, लेकिन इसकी शर्त ये कि आपके पासपोर्ट में 1 ईयर वैलिडिटी होना ज़रूरी है। 1 साल अगर आपके पासपोर्ट में है तो आप इंडिया में, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी बैठे हैं और आपका इकामा है वो एक्सपायर हो गया है, तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जो लोग कुवैत से छुट्टियाँ हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अभी कुवैत के वीज़ा की बात करें तो आपने और भी सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा भाई कुवैत के वीज़ा आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक सेंसेंस पैदा कर देते हैं भाई वीज़ा कौन से आ रहे हैं, वीज़ा तो बहुत कैटेगरी के होते हैं, लेकिन कुवैत में जो खादम वीज़ा जिनको बोलते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू नौकर वाले वीज़ा हैं, वो अभी ओपन है। इंडिया में भी कई लोगों के वो वीज़ा आ रहे हैं और उसी के नाम से सबसे ज़्यादा ठगी भी हो जाती है भाई, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। डोमेस्टिक वीज़ा या खादम वीज़ा वाले लोग अभी जा रहे हैं, वो आप वीज़ा ले सकते हैं, जैसे भी आप किसी से लेना चाहें, वो वीज़ा अभी ओपन है। जी हाँ, और वो बिना वैक्सीनेशन के जा सकते हैं, ये अच्छी बात है कि उनको टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा सिस्टम ट्रीटमेंट वही होगा जाने के बाद में। जी हाँ, 18 नंबर वीज़ा की जो बात कर रहे हैं वो भाई अगस्त जो आने वाला है, जून, जुलाई, अगस्त, वहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एंट्री आपको मिल सकती है 18 नंबर वीज़ा वालों की,
जो एक्सी आपको वैक्सीन लगानी होगी भाई, इससे वैक्सीन के बिना इनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी आपके पास टाइम पड़ा है, आप वैक्सीन लगवा लीजिए। जब भी कोविशील्ड को आप लगवा सकते हैं, जब भी आप किसी देश में जाना चाहें लगभग इसको एंट्री दे दी गई है। जी हाँ, बस ये 5-7 अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई, फ्लाइट के बारे में, वीजा, वैक्सीन, क्वारंटाइन भी अभी आपको पता है जो लोग जा रहे हैं उनको करने की वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है कुवैत की, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए। बस यही अपडेट है, बाकी कोई नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।